हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय कंपनी ई इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2004 टू 2006। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कोई मैथ की ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही, तो आप मेरे को वो के अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो। मैं उसके ऊपर आपको एक या दो दिन में वीडियो बना के आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, एक तो ये बात रही, और दूसरी दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगे ये वाला प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको समझ आया क्वेश्चन या समझ नहीं आया। क्योंकि अगर दोस्तों, अगर आप अकेले नहीं हो इस वीडियो को देखने वाले, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कहने का मतलब बहुत सारे और लोगों को समझ नहीं आएगा, तो मैं कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जो ई कंपनी है, जो ई कंपनी है उसने 2004 से 2006 में कितना इंक्रीज हुआ। 2004 में अगर आप ये टेबल देख सकते हो, टेबल ईयर वाइज है और कंपनी वाइज है, तो ए बी सी डी ये सब कंपनी, इनका 2004 में कितना प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, 2005 में, 2006 में, ये सब डाटा दिया हुआ है। तो ई कंपनी में देखो तो 2004 में 140 प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी, और 2006 में ई कंपनी कितने करने लगी, 217 करने लगी। तो ये 140 से बढ़ गया, 217 हो गया, कितने परसेंट बढ़ा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या मानेंगे, जो 140 है ये हमारा 100% के बराबर है। 140 है तो 100% है, 1 है तो, अगर 1 है तो 100/140 हो जाएगा, और हमें पता कितने का करना है, 200/217 का, तो 155 हो गया जी। अभी एक बार फिर से समझिए इस चीज़ को, हमने जो 140 है, जो 2004 का डाटा है ई का, 140 है उसको हमने 100% मान लिया कि भाई ये 100% है। तो अगर 140 बराबर है 100% के, तो 217 कितने परसेंट के बराबर होगा, और 217 कितने परसेंट के बराबर आया हमारे यहाँ पे, 155% के बराबर आया, और 140 कितने परसेंट के बराबर माना था हमने, 100% के बराबर। तो 155 में से अगर आप 100 माइनस कर दोगे, 155% जो आया वो 217 का आया, और 140 का हमने 100% माना था, तो 100% माइनस कर देते हैं तो 55, मतलब 100% से 155% हो गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया, 55% बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 55। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।